मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। टोकरी बंधी हुई थी, थोड़ा सा उसने खोल के देखा तो उसमें डेड बॉडी थी। एक बार फिर डेड बॉडी मिली। इसके बाद ये पता लगा कि कोई ऐसा शख्स है जो इस तरीके से सीरियल किलिंग कर रहा है। डेड बॉडी के साथ एक चिट्ठी मिली थी। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा जी सीसी। दोस्तों, इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज को रिलीज किया गया है जिसका नाम है इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। मैंने थंबनेल में ये लिख कर रखा है कि कमजोर दिल वाले इसे ना देखे। इसका कारण यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में कोई मर्डर होते हुए नहीं दिखाया जाता है, कुछ खून होते हुए नहीं दिखाया जाता, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई है जो आपके मन में दहशत पैदा कर देगी। इसमें कुछ मर्डर होते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन इंसिडेंट जो है ऐसा ऐसा दिखाया गया, इस तरह से ब्रूटली टाइप से दिखाया गया है कि आप इसे देखोगे तो आपको ये दहशत जैसा लगेगा कि किस तरह से उस सर को खोजा गया, जिस सर को काट कर फेंक दिया गया, किस जगह से खोजा गया, पुलिस की क्या क्या परेशानियां होती है ऐसे चीज़ों ऐसे एविडेंस को कलेक्ट करने में, वो किन किन जगहों पर जाती है, किस तरह की परेशानियां पुलिस भी झेलती है, उन सारी चीज़ों को इस सीरीज में दिखाया गया है। तो अगर आपको क्राइम वाली चीज़ें पसंद है तो आप इस सीरीज को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप क्राइम वाली चीज़ें आप पसंद नहीं करते तो आप इस सीरीज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में दहशत पैदा कर देगा। दोस्तों, सीरीज अगर आपको क्राइम पसंद है तो आप इसे देखिए। देखने के बाद आपका क्या कहना है इस सीरीज के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।